हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं चावल के चिले। तो हम वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, तो मैंने आज सोचा आप लोग को भी बता दूँ घर पे कैसे बनाए। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिसा हुआ दरदरा चावल लिया है, और ये मैंने कुछ थोड़ा सा टमाटर को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और ये लहसुन को मैंने थोड़ा कद्दूकस कर लिया हुआ है। हम तो पहाड़ी हैं, लेकिन हम ऐसे ही बनाते हैं। अब हम इसे हम इसमें मसाला भी डालते हैं। क्या हमने सारे मसाले भी डाले हैं? थोड़ा हमने धनिया पाउडर भी मिला लिया मसाले में। अब इसमें थोड़ा पानी से हम चीला बोलते हैं। अब ये बहुत सारा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। हमें इसे पानी बनाना है, अभी भी ये गाढ़ा बहुत हो रहा है। इसमें हमने पिसा हुआ टमाटर मिलाया है, और वो लहसुन का जो अदरक का पेस्ट बना के हमने इसमें डाला है, और सारे इसमें मसाले हमने इंग्रेडिएंट डाले। अब हम इसे थोड़ा मिक्सअप कर लेते हैं। ये देखो, हमारा ना ये पानी हुआ है और ना ये ज्यादा गाढ़ा हुआ है। ये हमने थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें धुआं आने लग गया है, तो ये शायद गर्म हो चुका है। तो हम चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये गर्म हो गया, तो हमने इसे हल्का सा इसमें तेल लगा दिया है, जिससे ये नीचे से चिपके बनेगी। हमने मसाला डाल दिया है, इस मसाले को हम आप ऐसे करके भी इसे फैला सकते हैं। जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसे बनाइए। आप ऐसे करके भी इसे फैला सकते हैं। इसे ना धीमी आंच होनी चाहिए ना तेज आंच होनी चाहिए। अब हम इसमें साइड से थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, जिससे ये हमारे सामने लगे। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देते हैं।
ये करिए, हल्का सा पुश, हल्का सा वो टच करिए, हमारा बन के तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा साइड से ऑयल लगा लेते हैं जिससे नीचे से जलेंगे। ये हमारा बनके एक तैयार हो गया है, चावल का चीला, या आप इसे पहाड़ में तो छोई भी होते हैं तो इसे छोई। तो आज मैंने घर पे लॉकडाउन में अनलॉक आज मैंने छोई बनाया है या चावल के चीले बनाए हैं, तो आप भी ऐसे ही घर पे बना सकते हैं। बस कुछ नहीं था इसमें मसाले में, सब कुछ आप कुछ भी मिला सकते हैं, प्याज लहसुन अदरक टमाटर कुछ भी मिला सकते हैं। और इसे हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ा सा पानी जैसा मसाला बना के आप इसे नॉर्मल तवे में भी बना सकते हैं और नॉन स्टिक तवे में बना सकते हैं। तो हमारे पास नॉन स्टिक तवा था तो हमने इसलिए इसमें बनाया। ये हमारा एक बन के तैयार हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा नीचे से भी फ्राई होने पकने के लिए तैयार रख देते हैं ताकि हमारे दोनों साइड से पके। अगर पकने के लिए हम थोड़ा सा इसे हल्का हल्का दबा लेते हैं। अब हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे हल्के से। अब इसे हल्के हाथों से फैला दीजिए। इतना बड़ा बनाना चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं। हमने ये छोटा बड़ा बनने के तैयार कर दिया है। अब इसे फैला दीजिए ताकि ये थोड़ा सा पूरा फैल जाए और हो जाए। अब इसमें हम चारों तरफ से ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये नीचे से जले ना। ये हमने फर्स्ट वाला बनाया था, देखो घर पे बनाया हमने चावल का चीला या चावल का हम तो पहाड़ी में छोई बोलते हैं। फिर आज मैंने घर पे ये बनाया तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। बस मैंने कुछ नहीं है मसाला बनाया और इसमें डाला है। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ऑयल यूज कर और ऐड कर देते हैं, क्यों, ताकि अगर हम इसे पलटे तो नीचे ऑयल से ये नीचे से जले ना। हल्का सा ऑयल इसे अभी
हल्के से ऐसे पुश किया। अब ये पका नहीं है नीचे से, तो पलटने में शायद टूट भी सकता है। हम इसे अब पलट देते हैं। ये देखिए अभी हम इसके साइड से फिर ऑयल लगा देते हैं ताकि ये जले ना। अब हम इसे हल्का सा पुश करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पहाड़ों में देखो ऐसे बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ से छोए होते हैं फिर। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हैं। ये मैंने दो बना लिए हैं, आप ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हैं। यह भी हमारा बनके तैयार हो गया है, बस इसे थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा और पकने देते हैं ताकि ये कच्चा ना रह जाए। आप इसे कितना भी छोटा भी बना सकते हो, कितना बड़ा बना सकते हो जी। इसे ऐसे करके दबा दीजिए ताकि ये थोड़ा नीचे से पकता रहे हर जगह पे। अपने घर पर बनाया है चावल के चिले या छोई, हम तो पहाड़ी में ऐसे छोई बोलते हैं। तो आप भी बना सकते हैं इसे घर पे, बिल्कुल सरल विधि से बना सकते हैं। कोई नहीं, चावल का चावल या चावल के थोड़ा सा मसाला, सारे मसाले मिला के आप ऐसे करके बना सकते हैं। आप किसी भी तवे में बना सकते हैं, नॉन स्टिक तवे में बना सकते हैं, किसी में बना सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैंने बनाया है चावल के चिले या पहाड़ों में छोए भी बोलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।